सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने सेमरिया बीड़ा तथा हरदी में लगभग 2.70 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर से। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए केपी त्रिपाठी ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में किए विकास कार्यों को बताते हुए कहा कि सेमरिया में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए गए हैं और विकास की इसी कड़ी में आज करोड़ों रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जा रहा है। केपी त्रिपाठी ने सेमरिया स्थित सरदार भगत सिंह स्टेडियम छमुआ में 43 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित पार्क, 5 लाख रुपए से स्थापित ओपन जिम तथा स्टेडियम में 22 लाख रुपए से नवीन बाउंड्री वॉल निर्माण तथा पुराने बाउंड्री वॉल में हुए प्लास्टर कार्य का लोकार्पण शामिल है। साथ ही पार्क की देखरेख करने वाले कर्मचारियों को शॉल श्रीफल के साथ सम्मानित किया। ग्राम पंचायत बीड़ा में लगभग 80 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीड़ा में 25 लाख रुपए की लागत से अतिरिक्त कक्ष निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य, डाडी टोला में राम मिलन तिवारी के घर के सामने 9.90 लाख रुपए की लागत से रपटा निर्माण, ददन मिश्रा के घर से रामचरित मिश्रा के घर के और 7.65 लाख रुपए की लागत से PCC सड़क निर्माण, गया प्रसाद साकेत के घर से लोकराम प्रजापति के घर की और 5 लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन तथा रावेंद्र कुशवा के घर से बेलहा टोला आदिवासी बस्ती तक 7.65 लाख रुपए की लागत से PCC सड़क निर्माण, कुल्लू मुख्य मार्ग से हरिजन बस्ती की और 7.65 लाख रुपए की लागत से PCC सड़क निर्माण, हरिजन बस्ती से शिव नारायण मिश्रा के घर की और 7.65 लाख रुपए की लागत से PCC सड़क निर्माण, हरिजन बस्ती से दयानिधि मिश्रा के घर की और 7.65 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य का लोकार्पण और ग्राम पंचायत हरदी में 1.42 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया, जिसमें 51 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन, 25 लाख रुपए की लागत से 5 नग PCC सड़क मुख्य मार्ग से रत्नेश त्रिपाठी के घर तक, कमलेश्वर सोनी के घर से मुन्ना सेन के घर तक, भोरी मुख्य मार्ग से गौकरण पाठक के घर तक, शेषमणि गौतम की दुकान से अनिल शुक्ला के घर तक, शेषमणि गौतम की दुकान से संजीव कौल के घर तक PCC सड़क निर्माण, 23 लाख रुपए की लागत से गौकरण तिवारी के घर से पुलिया की ओर, उमाशंकर तिवारी के घर से सैनिक तालियों की ओर, जगदीश गुप्ता के घर से यूनियन बैंक की ओर, संजू शर्मा के घर से अंशुमानी तिवारी के घर तक नाली निर्माण कार्य का लोकार्पण तथा 22 लाख रुपए की लागत से रहट मुख्य मार्ग से वीरभद्र शुक्ला के खेत तक, रहट मुख्य मार्ग से नरेश तिवारी के खेत की और आंगनवाड़ी क्रमांक 2 से पोखरी तालाब तक सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।